क्या आप जानना चाहते हो बेबी मून क्या होता है? बहुत लोग जानते ही नहीं है कि बेबी मून क्या होता है। बेबी मून एक छोटा सा वेकेशन होता है जिसमें होने वाली माँ, उसके पिता और अपने होने वाले बच्चे के साथ घूमने चले जाते हैं, छोटे वेकेशन के लिए चले जाते हैं। ये एक तैयारी होती है डिलीवरी से पहले की, माँ बाप को एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ाने की, पिता को अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ाने की तैयारी होती है। ये छोटा सा वेकेशन होता है जिसमें आप घूमने जा सकते हो कहीं आस पास, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप अपना बॉन्डिंग अपने स्पाउस के साथ बढ़ा सकते हो। सो इसको बेबी मून बोलते हैं, यानी कि जो डिलीवरी से पहले का जो आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, वो आप डिलीवरी से पहले ही कर सको। क्योंकि एक बार बेबी आ जाता है फिर तो आपको साल भर तक आपको कहीं बाहर जाने को नहीं मिल सकता, ऐसा लोग सोचते हैं। तो बेबी मून जो है ये कब कर सकते हैं? बेबी मून जो है वो बीच के 3 महीने में, जैसे दूसरी तिमाही बोल सकते हैं हम, में सेफेस्ट रहता है। क्योंकि पहले 3 महीने में बहुत लेडीज को प्रिकॉशंस बोले जाते हैं, तो पहले 3 महीने में घूमना फिरना, ट्रैवलिंग ये अवॉइड करते हैं। और लास्ट के 3 मंथ्स में जैसे पेट आगे बढ़ता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है पेट के साथ ट्रैवल करना, इसलिए लास्ट के 3 मंथ्स में भी बेबी मून अवॉइड करते हैं। जो बीच के 3 महीने हैं, यानी कि 5वें महीने से लेके 7वें महीने तक, या फिर मैं आपको मेरी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो 14 वीक्स से लेके 28 वीक्स तक बेस्ट टाइम है बेबी मून के लिए ट्रैवलिंग के लिए। अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप इस पीरियड में कोई बाहर घूमने जा सकते हो, अपने आप को फ्रेश करने जा सकते हो। सो आपको आपका बेबी मून बहुत ही शानदार रहे, ये मेरी विश है।